और चलिए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आजम खान की सदस्यता रद्द करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आज ही मामले की सुनवाई का भरोसा दिया है। आजम खान के वकील पी चिदम्बरम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। पी चिदम्बरम ने कहा है कि हाई कोर्ट में 2 दिन की छुट्टी है, वहां सुनवाई में वक्त लग सकता है, इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दी गई है। कहा है कि निचली अदालत के फैसले के बाद अगले ही दिन इस सीट को खाली घोषित कर दिया गया और 10 नवंबर को उपचुनाव की तारीख भी तय कर दी गई। ऐसे में जल्द से जल्द सुनवाई वे इस पर चाहते हैं, यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। तो आजम खान की सदस्यता रद्द करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है और अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अविनाश, सुप्रीम कोर्ट ने आज ही मामले की सुनवाई का भरोसा दिया है, क्या संभावना है, कब सुनवाई हो सकती है? जी देखिए अनु, अगर बात करें तो लंच के बाद ये सुनवाई हो सकती है, यानी कि दोपहर 2 बजे के बाद ये सुनवाई हो सकती है, क्योंकि आजम खान के वकील पी चिदम्बरम ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से ये फैसला आया निचली अदालत को, उसके बाद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी जो क्वेश करने के लिए थी पूरी को उसमें समय नहीं मिला, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट छुट्टी में था, और उसके बाद जिस तरीके से विधानसभा सचिवालय ने तुरंत जो है फैसला लेते हुए विधानसभा सीट रिक्त घोषित कर दी और अब चुनाव भी घोषित हो गया, ये पूरी तरीके से एक पक्षीय कार्रवाई है और इससे आजम खान को वक्त नहीं मिला। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा जताया कि वो आज इस मामले पर सुनवाई करेगा। अब देखते हैं कि जब 2 बजे के बाद सुनवाई शुरू होती है तो उत्तर प्रदेश सरकार और इसके अलावा आजम खान के वकील क्या कुछ वहां पे दलीलें रखते हैं। जी अविनाश, इसमें क्या मांग की जा रही है, इस पर भी आगे देखना होगा, जब सुनवाई शुरू होगी आपका फिर से रुख करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां गोला में सपा की हार पर मायावती का ट्वीट आया है। मायावती ने गोला गोकर्णनाथ में जो हार मिली है समाजवादी पार्टी को, उस पर करारी हार पर चर्चा में बताया है कि बसपा प्रमुख ने सपा से पूछा कि हार के लिए अब क्या आखिर बहाना बनाया जाएगा। ये मायावती ने अपने ट्वीट में जाहिर कर दिया है कि अब तो बसपा की तरफ से भी कोई चुनौती नहीं थी, ऐसे में समाजवादी पार्टी अब क्या अपनी हार का बहाना बनाएगी। मायावती ने लगातार 2 ट्वीट किए हैं। मायावती से सपा के लिए मैनपुरी रामपुर चुनाव चुनौती बताया गया। मायावती ने पूछा कि क्या सपा दोनों जगह की सीट बचा पाएगी। मायावती ने सवाल पूछा कि क्या भाजपा को हराने में सपा सक्षम है। देखिए, ये मायावती ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। मायावती ने कहा है कि यूपी के खीरी का गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव आया, जिसमें सपा की 34,298 वोटों से करारी हार हुई, काफी चर्चाओं में यह है। बीएसपी जब अधिकांशतः उपचुनाव नहीं लड़ती और यहां भी चुनावी मैदान में नहीं थी, तो अब सपा अपनी इस हार के लिए कौन सा नया बहाना बनाएगी। यूपी की इस सीट को लेकर जो हार मिली है सपा को, उस पर मायावती ने ये नमक छिड़कते हुए सवाल पूछा है, कहा है कि अब बहाना आपके पास क्या है। इससे पहले तो समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए बसपा पर कि बसपा भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए मैदान में उतरती है, अपनी टिकटों का वितरण भी इसी अनुसार किया जाता है, ये मायावती का तात्पर्य था। लेकिन ऐसे में जब बसपा इस चुनाव में नहीं थी और उसके बावजूद समाजवादी पार्टी को करारी हार मिली है, तो इसका ठीकरा किस पर फोड़ा जाएगा, इस हार के लिए क्या बहाना बनाया जाएगा, ये बसपा प्रमुख ने सपा से सवाल पूछा है। ये ट्वीट मायावती की तरफ से किए गए हैं, जिसमें उन्होंने ये कुछ कड़े सवाल पूछे हैं। साथ ही मायावती से सपा के लिए मैनपुरी रामपुर चुनाव भी चुनौती बताया गया है। मायावती ने इसे लेकर भी पूछा है कि क्या सपा दोनों जगह की अपनी सीट बचा पाएगी। मायावती के ये ट्वीट आप देख रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने किए हैं। गोला में सपा की हार पर मायावती का ये हमला, मायावती ने गोला में करारी हार को चर्चा में बताया है और कहा है कि इस पर चर्चा चल रही है। ऐसे में सवाल ये बनता है कि अब सपा इस हार का ठीकरा किस पर फोड़ेगी, और साथ ही ये भी कहा है कि जो मैनपुरी और रामपुर में उपचुनाव होंगे, क्या उस चुनौती से पार पा पाएगी, क्योंकि ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में थी। मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है वो जहां मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई, रामपुर की सीट आजम खान की सदस्यता रद्द होने के चलते खाली हुई है। ऐसे में जो उपचुनाव होंगे तो क्या इन्हें रिटेन कर पाएगी, इन्हें बचा पाएगी समाजवादी पार्टी, ये बसपा ने पूछा है। और चलिए और ज्यादा जानकारी है हमारे संवाददाता इस वक्त अनुभव हमें देंगे। अनुभव, ये जो सवाल मायावती ने उठाए हैं, क्या आधार और कितनी सच्चाई इनमें लग रही है? देखिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ट्वीट को गौर से पढ़िए। अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो उसमें आपको साफ नजर आएगा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। ये लिखा है कि जितना बीजेपी की जीत की चर्चा नहीं है, उससे ज़्यादा
34,200 वोटों से समाजवादी पार्टी की जो करारी हार हुई है उसकी चर्चा है सियासी गलियारों में। साथ ही साथ ये भी लिखा है कि जब अधिकांशतः चुनाव बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती तो अब समाजवादी पार्टी क्या बहाना बनाएगी। इसके पीछे थोड़ा सा चलते हैं बैकग्राउंडर। कल जब गोला गोकर्णनाथ के उपचुनाव के नतीजे आए तो समाजवादी पार्टी ने ये कहा कि कहीं ना कहीं बसपा की वजह से ये बीजेपी ने सीट जीत ली, क्योंकि इस बार उन्होंने अपना कैंडिडेट उपचुनाव में नहीं उतारा। अब जरा आप आंकड़ों को देखिए, 2022 में जब चुनाव हुए मार्च में, तब इसी गोला गोकर्णनाथ सीट की अगर बात करें तब जो समाजवादी पार्टी उम्मीदवार थे उनको 97,000 से ज़्यादा वोट मिले और बसपा ने जिसे चुनाव मैदान में उतारा था उसको 26,000 वोट मिले थे। यानी समाजवादी पार्टी ये कहती है कि बसपा ने हमारे वोट को काटा था। अब जब उपचुनाव में बसपा ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारा तो भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का जो वोट है वो 7,000 कम हो गया। यानी 22 में मार्च में तो उसको 97,000 वोट मिले और जब उपचुनाव हुआ तो वो 90,000 रह गए। इसे ही लेकर मायावती ने ये कहा है कि जब अधिकांशता उपचुनाव में हम नहीं उतरते तो अब समाजवादी पार्टी क्या बहाना बनाएगी। और देखिए मायावती के इस ट्वीट में एक संकेत भी है। संकेत क्या है? मैनपुरी और रामपुर में जब उपचुनाव होंगे वहां पर बीएसपी की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि ऊपर ही उन्होंने लिख दिया कि अधिकांशता उपचुनाव तो बीएसपी लड़ती ही नहीं है। और कुछ ऐसे ही संकेत इन दो उपचुनाव के लिए भी बीएसपी सुप्रीमो ने दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि अब समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती है कि अपनी ये दोनों सीटें बीजेपी से बचा के दिखाए। देखिए पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ज़्यादा हम कहें तो अटैकिंग है समाजवादी पार्टी पर। जब से इमरान मसूद को उन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई है लगातार बीएसपी यही मैसेज दे रही है कि किस तरीके से बसपा जो है वो मुस्लिम समाज के लिए उसने पहले भी काम किया और अगर मुस्लिम समाज उसके साथ आएगा तो समाजवादी पार्टी नहीं हरा पाएगी बीजेपी को, बीजेपी को बहुजन समाज पार्टी ही हरा पाएगी। और इस ट्वीट का भी अगर आप लब्बो लो आप देखें तो यही है कि अगर बीजेपी से कोई टक्कर ले सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी ले सकती है। और यहाँ पर सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किया है कि क्या वो जीत नहीं सकते बीजेपी से, वो सक्षम नहीं है बीजेपी से लड़ने के लिए। तो मायावती ने इस ट्वीट के जरिए एक तरफ जहाँ निशाना साधा है, दूसरी तरफ उनका जो वोट बैंक है उसको क्लियर मैसेज भी दिया है। बिल्कुल। और अनुभव, क्या एक बार फिर से ये जो आरोप हैं जो मायावती की तरफ से लगाए गए हैं इन पर देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कोई पलटवार आता है या फिर अपनी सफाई में उनकी तरफ से क्या कहा जाता है, इसका इंतजार रहेगा। अनुभव शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां छापरा गैंगरेप मामले में बड़ा फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों को किया जहां बरी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को पलटा है। 2012 में गैंगरेप कर आंख में तेजाब डाल दिया गया था। हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा था। निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। दोषी रवि कुमार, राहुल और विनोद को अब बरी किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली छाबला गैंगरेप मामले में ये बड़ा फैसला। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता अपडेट देंगे। अविनाश, एक बड़ा फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट का, तीनों दोषियों को बरी किया गया है, क्या आधार इसका? देखिए अनु, अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल अपना जजमेंट दिया जिसमें तीनों दोषियों को, आरोपी को बरी कर दिया गया। हालांकि अभी जो जजमेंट है वो आना बाकी, जिसमें कंप्लीट तौर पर बताया जाएगा कि क्या कुछ कारण रहा है किस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को रिहा किया। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें तो ये मामला 2012 में हुआ था। इसके बाद अगर बात करें तो पीड़ित परिवार पहले दिल्ली में अगर बात करें तो निचली अदालत में अपना केस लड़ा था और हाईकोर्ट में लड़ा था, जिसके बाद दोनों जगह पे तीनों आरोपियों को फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस को पलट के रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। हालांकि फाइनल जजमेंट में उसने क्या कुछ कहा है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री विभाग है वो कुछ ही देर में फाइनल जजमेंट रिलीज करेगी, जिसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ कर रहा है। अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले में सुनवाई हुई थी, जिसमें अगर बात करें तो दलीलें रखी गई थी, जिसमें आरोपियों के वकील ने साफ तौर पर कहा था कि युवक उस समय मौजूद नहीं थे जिस समय वारदात हुआ था, कि ये जो शिनाख्त हुई है गलत तरीके से हुई, इसलिए आरोपियों जो आरोपी बनाए गए युवक इसको रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरह साक्ष्य भी रखे गए थे, प्रस्तुत किए गए थे। अब किस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया है ये अभी कुछ देर में जजमेंट आ जाएगा तो स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन एक बड़ा जजमेंट है। बिल्कुल। और अविनाश, ऐसे मामले देखने में बहुत कम मिलते हैं जहां इतना विभत्स, इतनी नृशंस जो एक रवैया है वो अख्तियार किया गया, जिसमें निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके फैसला बिल्कुल पलट गया। बिल्कुल अनु, अगर बात करें तो अमूमन सुप्रीम कोर्ट में यही देखा जाता है कि निचली अदालत और हाईकोर्ट के फैसले को वो यथास्थिति में बरकरार रखता है, क्योंकि जिस तरीके से निचली अदालत तो सुप्रीम कोर्ट में तमाम सारे आर्गूमेंट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी आके वहीं पर अगर बात करें तो तमाम सारे साक्ष्य वहीं प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरा फैसला पलटा गया है, जाहिर तौर पर बात है कि अब इंतजार करना होगा फाइनल जजमेंट का कि आखिर
चार कुछ जस्टिस को लगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलटा। ठीक है, शुक्रिया अविनाश जानकारी के लिए आपका। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको आगरा से देते हैं, जहां मीट कारोबारी जुल्फिकार ब्रदर्स की और मुश्किलें बढ़ेंगी। आईटी की रेड के बाद अब ईडी के रडार पर भी है एचएमए ग्रुप। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद खुफिया एजेंसी अलर्ट हो गई है। एचएमए के मालिकों की पाकिस्तान बात करने की कॉल डिटेल है, जहां एचएमए ग्रुप पर आज तीसरे दिन भी जारी है आईटी की रेड। जुल्फिकार एंड ब्रदर्स के करीब 18 ठिकानों पर आईटी की रेड हुई है। पूरे देश में तकरीबन 45 जगहें हैं जहां पर आईटी की रेड जारी है, और अब इसमें एंट्री ईडी की भी हो चुकी है। आगरा से बड़ी खबर, मीट कारोबारी जुल्फिकार ब्रदर्स की मुश्किलें अब और बढ़ेंगी। आईटी की रेड के बाद ईडी के रडार पर भी है अब ये जुल्फिकार ब्रदर्स। तो जहां एचआरएम ग्रुप का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है, और इसके बाद अब एजेंसियां और भी ज्यादा सतर्क हो गई हैं। जहां एचएमए के मालिकों का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया, उसके बाद एचएमए के मालिकों की पाकिस्तान से बात करने की जो कॉल डिटेल है वो भी सामने आई थी। पाकिस्तान में बैठे हुए आकाओं से व्हाट्सएप चैट सामने आई थी, और जैसे ही ये डिटेल सामने आई उसके बाद एजेंसियां अलर्ट पर रहने लगी है। अब पूर्व बसपा विधायक ने सैकड़ों की तादाद में तैनात कर रहे कश्मीरी गार्ड, ये भी जानकारी मिली है। कहा गया है कि जुल्फिकार का पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया है। पाकिस्तान कनेक्शन के बाद खुफिया एजेंसियां लगातार सतर्क नजर आ रही है। आईटी की रेड पड़ी, जिसके बाद ईडी की एंट्री हुई। देश का टॉप 3 मीट कारोबारियों में जुल्फिकार ब्रदर्स का नाम शामिल है। देश के टॉप मीट कारोबारी जुल्फिकार एंड ब्रदर्स के यहाँ आईटी की रेड तीसरे दिन भी लगातार चल रही है, और ऐसे में इनकम टैक्स ऑफिशियल्स को कई सारे महत्वपूर्ण कागजात हाथ लगे हैं। और जिस तरीके से जो कहा जाए बेनामी संपत्ति इनकम टैक्स के अधिकारियों के हाथ लगी है, उसके बाद अब आईटी के बाद ईडी के रडार पर भी कहा जाए जो एचएमए ग्रुप नज़र आ रहा है। इनकम टैक्स ऑफिशियल्स के सूत्रों से जो जानकारी हाथ मिली है उसके उस मुताबिक बड़ी संख्या में कहा जाए ऐसी प्रॉपर्टी जांच के दायरे में है जो कहीं ना कहीं जिनको छुपा कर रखा गया है। कई सारे संपत्तियों के कागजात इनकम टैक्स के अधिकारियों के हाथ में लगे हैं, और इसके साथ ही जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है। आगरा में करीब 18 जगहों पर एचएमए ग्रुप के जो मालिक हैं जुल्फकार भुट्टो एंड ब्रदर्स और उनके जो तमाम रिश्तेदार हैं, क्लोज एसोसिएट्स हैं, उनके यहाँ इस समय इनकम टैक्स की जो रेड है लगातार चल रही है। और इसके साथ ही पूरे देश में करीब 45 ठिकानों पर इस समय इनकम टैक्स की जो रेड है वो लगातार चल रही है। जानकारी के मुताबिक करोड़ों रुपए जो कैश इनकम टैक्स के अधिकारियों के हाथ लगा है, जिसका कोई कहा जाए आईटी विभाग के अधिकारियों के पास इसकी जानकारी नहीं थी। बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में गोल्ड मिलने की बात भी सामने आ रही है, और अब इनकम टैक्स आईटी डिपार्टमेंट इन सारी चीज़ों को ईडी को शेयर करने वाला है। तो कुल मिला के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की भी कहीं ना कहीं नज़रें अब इस एचएमए ग्रुप पर बनी हुई हैं, यानी एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज़ जो देश के कहा जाए टॉप 3 में जो मीट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, उसकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। इसके साथ ही एचएमए ग्रुप की तरफ से जो सबसे ज़्यादा कैश फ्लो करता था आबिद कुरैशी, जो जुल्फकार अहमद भुट्टो के कहा जाए जो भांजा है, उसके यहाँ भी इनकम टैक्स के अधिकारियों ने डेरा डाल दिया है। इसके एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के मालिकानों की जो मुश्किलें हैं वो और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जांच का जो दायरा है वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हो चुका है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। तो देखा आपने किस तरीके से अब जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। शुरुआत हुई थी आईटी की छापेमारी से, ईडी की इसमें अब एंट्री हुई है, और उसके बाद जहां पाकिस्तान से कनेक्शन भी सामने आए हैं, कुछ कॉल डिटेल्स सामने आई हैं जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोगों से लगातार बात की जा रही थी। तो ऐसे में कहां जाकर ये जांच रुकेगी ये देखना होगा। जानकारी हमारे संवाददाता इस वक्त नितिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, ये बताइए कि किस तरीके से जो दायरा है जांच एजेंसियों का वो फैलता जा रहा है, ऐसे में इस एचएमए ग्रुप की मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किलें एचएमए ग्रुप की बढ़ चुकी हैं। देखिए, मैं इस समय उनके घर के बाहर हूँ। यहाँ ये 7 भाई हैं जो हाजी
जुल्फकार अहमद भुट्टो हैं जो बीएसपी के एक बार एमएलए रहे हैं, एचएमए ग्रुप के मालिक हैं, ये सात भाई हैं। जिस जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है विशालकाय बिल्डिंग, इसमें तीन भाई रहते हैं। और देखिए तस्वीरों में आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरह से सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो लगातार इस पूरे रेड में पहली बार देखा गया है कि इनकम टैक्स की कोई रेड कंडक्ट हो रही है जिसमें सीआरपीएफ के जवानों की मदद ली गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कितना पावरफुल ये ग्रुप है, मीट कारोबारी है। और आईटी ने शुरुआत में करीब 33 ठिकानों पर पहले दिन एक साथ रेड कंडक्ट की थी, लेकिन अब ये दायरा और ज़्यादा व्यापक हो चुका है। करीब 45 ठिकानों पर आगरा समेत देश के तमाम शहरों में इस समय आईटी की जो रेड है वो तीसरे दिन भी चल रही है। आगरा में 1.5 दर्जन ठिकानों पर रेड चल रही है जिसमें जुल्फकार के तीन भाई इस घर में रहते हैं। पास में ही एक बिल्डिंग है जहां दो भाई रहते हैं और एक भाई विभव नगर में जहां मैं मौजूद हूं उस एक दूसरे घर में रहते हैं, और एक पैतृक जो घर है मलको गली वहां हाजी परवेज जो सबसे बड़े भाई रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि 2003-04 के दरमियान ये जो जुल्फकार एंड ब्रदर्स एलाना ग्रुप के लिए मीट सप्लाई करते थे, लेकिन कुछ सालों के भीतर बीच में एक बार वो 5 साल के लिए एमएलए हुए, 40 देशों में मीट की सप्लाई हो रही है। टॉप 3 में अब उनकी कंपनी का नाम आता है, बड़े मीट एक्सपोर्टर हैं, 40 देशों में उनकी सप्लाई होती है। तो अब जो दायरा है वो काफ़ी ज़्यादा व्यापक है। हमें जो उच्च पदस्थ सूत्रों से जानकारी मिली है कि 50 करोड़ से ज़्यादा कैश मिला है, बड़ी मात्रा में सोना मिला है, इसके साथ ही कई सारी ऐसी लगातार नितिन जारी हैं। और क्या कुछ और आगे डिटेल इसकी आएगी वो भी आपसे जानेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया नितिन इस पूरी जानकारी के लिए। प्रयागराज से एक बड़ी खबर, आजम खां और अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। जौहर यूनिवर्सिटी को छावनी में तब्दील किए जाने के खिलाफ ये याचिका दायर की गई है, जहां कैंपस से अनावश्यक पुलिस फोर्स हटाने की मांग को लेकर ये याचिका दायर की गई है। आजम यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं। याचिका में साल 2019 के हाईकोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया गया है। मांग की गई है कि जो अनावश्यक फोर्स तैनात की गई है उसे हटाया जाए। और चलिए इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।